हेलो दोस्तों, लेट्स बी हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको नैनीताल हिल स्टेशन के दो टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानकारी दूंगी। एक है नैनीताल लेक और दूसरा है नैना देवी टेम्पल। नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित एक नगर और बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल का विशेष महत्व है। नैनी शब्द का अर्थ है आंखें और ताल का अर्थ है झील। यह स्थान झीलों से घिरा हुआ है। इनमें से सबसे प्रमुख झील नैनी झील है, जिसके नाम पर इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा। ये है नैनीताल लेक। ये मोल रोड के सामने ही पूरा नैनीताल लेक है। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। पूरा चक्कर का प्राइस है 210 रुपीज और आधा चक्कर बोटिंग की प्राइस है 160 रुपीज। यह सुंदर झील में नौकायन का आनंद लेने के लिए लाखों विदेशी पर्यटक यहां आते हैं। झील के पानी में आसपास के पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। रात के समय जब चारों ओर बल्ब की रोशनी होती है तब तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। नैनीताल और उसके आसपास 7 जिले हैं, जैसे कि भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, कृपा ताल, मालवा ताल, हरीश ताल और लोकपुर ताल। भीमताल सबसे बड़ा है और सबसे सुंदर और बहुत खूबसूरत एक नैनीताल लगता है। स्कंद पुराण में इसे त्रिरुषि सरोवर भी कहा गया है। कहा जाता है कि जब अत्रि पुलत्स्य और पुलरुषि को नैनीताल में कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा और मानसरोवर से पानी लाकर उसमें भरा। इस झील के बारे में कहा जाता है यहाँ डुबकी लगाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना मानसरोवर नदी में नहाने से मिलता है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर नैनीताल यहाँ मौजूद झीलों की वजह से झीलों के शहर के नाम से भी काफ़ी मशहूर है। नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत आपके दिल में खास जगह बना ले सकती है। खूबसूरत और शांत वादियों के घिरे नैनीताल टूरिस्ट के लिए हरियाली का स्वर्ग है। नैनीताल के ताल के दोनों ओर सड़कें हैं। ताल का मल्ला भाग मल्ली ताल और निचला भाग तल्ली ताल कहलाता है। इस तालाब के उत्तरी छोर पर नैना देवी का मंदिर है, जहाँ पर देवी शक्ति की पूजा होती है। अब हम चलेंगे नैना देवी मंदिर। नैनीताल में तल्ली ताल बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूरी पर नैना देवी मंदिर है। आप पैदल चलकर भी नैना देवी मंदिर जा सकते हैं, नहीं तो आप नैनीताल का तल्ली ताल बस स्टैंड है, वहाँ से आप इलेक्ट्रिक ऑटो में बैठ कर भी जा सकती है। ये ऑटो स्टैंड है, यहाँ पर आपको खड़ा रहना होता है और यहाँ पर से ही आपको इलेक्ट्रिक ऑटो मिलेगी जो 10 या 20 रुपीस में आपको नैना देवी टेम्पल पहुँचा देगी। और पैंडल रिक्शा भी यहाँ पे चलती है। देखो ये है ऑटो रिक्शा, इसी ऑटो यहाँ पे चलती है। अब हम नैना देवी टेम्पल पहुँच गए हैं। नैना देवी पहुँचते समय आपको बीच में इसी मार्केट मिलेगी तो गर्म कपड़े की पूरी होगी। आप यहाँ पे इसी भी गर्म कपड़े भी खरीद सकती है। श्री नैना देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश में सबसे उल्लेखनीय स्थानों में से एक है। बिलासपुर जिला में स्थित यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर में 2 नेत्र है जो नैना देवी को दर्शाते हैं। नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब शिव सती की मृतदेह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे तब जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, इससे प्रेरित होकर इस मंदिर की स्थापना की गई है।
यहाँ माता सती की आंखें गिरी थी, जिस वजह से ये मंदिर नैना देवी मंदिर के नाम से मशहूर है। नंदा अष्टमी के दौरान नैना देवी मंदिर में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पर बहुत सारे भक्तों का भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, यहाँ पर भी नैना देवी मंदिर के पीछे नैनी झील है, जहाँ पर भी आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। और मेरी यह लेट्स बी हैप्पी चैनल पर आपको ऐसे ही नैनीताल टूरिस्ट प्लेस की अलग अलग वीडियो मिलती रहती गाइस। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी, आप जरूर देख लेना। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।